Good morning children, welcome back to our maths class. Children, in today's video we are going to do addition problem of page number 67. In the previous video we have done addition of two digits with two digits. Now in today's video let us solve the addition problem. Question number 1. In a class there are 26 boys and 31 girls. How many children are there in all? एक क्लास है बच्चों जिसमें 26 बॉयज हैं और 31 गर्ल्स हैं. आपको बताना है कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं. तो हम क्या करेंगे, 26 प्लस 31 57. ओके, नाउ सेकंड, अ फिश पॉन्ड कंटेन्स 16 स्मॉल फिश एंड 25 बिग फिश. हाउ मैनी फिश आर देयर इन ऑल? एक फिश पॉन्ड में 16 छोटी फिश थी और 25 बिग फिश है. अब आपको बताना है टोटल मिला के फिश कितनी है. तो आप देखिए, छोटी फिश कितनी है, स्मॉल फिशेस 16, और बिग फिश कितनी है 25. ये वंस प्लेस का या टेंस प्लेस का? तो हमें 6 प्लस 5, देन वी विल ऐड 1 प्लस 2. सो 6 प्लस 5 6, 7 8 9 10 11. So 1, carry over 1. Now 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4. So answer is 41. Kitni total fish hai pond mein? 41 fishes hai. Okay? Question 3. There are 21 red roses and 30 yellow roses in a garden. How many flowers are there in all? Ek garden mein 21 red roses hai और 30 येलो रोजेज हैं. अब आपको बताना है गार्डन में पूरे फ्लावर्स कितने हैं. तो 21 प्लस 30, ओके, वंस एंड टेंस. सो 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 3 इज 5. तो टोटल कितने हैं, 51. ओके चिल्ड्रन, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 36 children are watching a film. 24 more children join them. How many children are now watching the film? 36 बच्चे जो हैं मूवी देख रहे हैं. 24 बच्चे और आ जाते हैं वो मूवी देखने के लिए. अब आपको बताना है कि टोटल कितने बच्चे हैं जो मूवी देख रहे हैं. कैसे पता चलेगा, 36 प्लस 24. सो चलिए, लेट अस सॉल्व 36 वंस एंड टेंस. 24. Put a sign of plus. Now we will add 6 plus 4 and 3 plus 2. So 6, 7, 8, 9, 10. So 0, carry over 1. Now 1 plus 3 is 4, plus 2 is 6. So answer is 60. Okay, children? Now 5. Tina has 42 bangles. Shashti has 36 bangles. How many bangles do they have all together? Tina ke paas 42 bangles hain, matlab chudiyan hain. Shashti ke paas 36 chudiyan hain. Ab aapko batana hai ki total mila ke dono ki chudiyan mila kar kitni hui. To hum kya karenge, 42 plus 36, 1 and 10. We will put the sign of addition. Now 2 plus 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we will write 8 over here. Now 4 plus 3, 4, 5, 6, 7. So answer is 78. Total mila ke dono ke paas kitni chudiyan hai? 78. Okay? Question number 6. There are 25 hens and 32 goats in a farm. How many cattles are there altogether? अब एक फार्म है छोटा सा जिसमें 25 हेंस हैं और 32 गोट्स हैं. अब आपको बताना है उस फार्म में टोटल कितने एनिमल्स हैं, कैटल्स हैं. ठीक है, तो चलिए हम ऐड अप करते हैं. 25 एंड 32, वी विल पुट द साइन ऑफ प्लस, वंस एंड टेंस. नाउ वी विल ऐड 5 प्लस 2 एंड 2 प्लस 3. 5 प्लस 2 5, 6 7. 2 plus 3, 2, 3, 4, 5. So answer is 57.
Okay, children. Now let us revise. Question 2. एक फिश पॉन्ड. क्वेश्चन 1. एक क्लास में 26 बॉयज और 31 गर्ल्स हैं. टोटल चिल्ड्रन आपको बताना है. तो 26 प्लस 31 करा हमने, टोटल चिल्ड्रन कितने हुए? 57 हुए. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा. एक पॉन्ड में, फिश पॉन्ड में 16 स्मॉल फिशेस थी, 25 बिग फिशेस थी. अब बताना था टोटल मिला के कितनी फिश हैं. तो हमने 16 प्लस 25 करा तो हमारे पास टोटल मिला के 41 फिशेस हो गई. क्वेश्चन 3 था आपका. 21 रेड रोजेस हैं गार्डन में और 30 येलो रोजेस हैं गार्डन में. आपको बताना है टोटल मिलाकर कितने रोजेस हैं गार्डन में. तो हमने 21 प्लस 30 किया तो हमारे पास कितने रोजेस हुए गार्डन में? 51 फ्लावर्स. ओके. क्वेश्चन 4 था हमारा. एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं बच्चे, 36 बच्चे. 24 और बच्चे आ गए उसी फिल्म को देखने के लिए. तो आपको बताना है टोटल कितने बच्चों ने वो फिल्म देखी. तो हमने 36 प्लस 24 किया तो हमारा आंसर आया 60. तो कितने टोटल बच्चे थे जिन्होंने फिल्म देखी? वो था 60. ओके. नाउ क्वेश्चन 5. टीना के पास 42 बैंगल्स हैं, सृष्टि के पास 36 बैंगल्स हैं. आपको बताना है दोनों के पास मिलाकर कितनी बैंगल्स हैं. तो 42 प्लस 36 78. तो दोनों के पास मिलाकर कितनी बैंगल्स हैं? 78. क्वेश्चन 6. 25 हैंड्स हैं एक फार्म में और 32 गोट्स हैं. आपको बताना है टोटल मिला के कितने कैटल्स हैं. तो 25 प्लस 32 57. तो टोटल गोट्स कैटल्स कितनी हो गई? 57 हो गई. ओके चिल्ड्रेन. सो कम ऑन, राइट टू डे स्टेट ऑन राइट हैंड साइड एंड कम्प्लीट दिस पेज ऑफ प्रॉब्लम सम्स. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ ग्रेट डे.